हे गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। एंड आज की जो वीडियो है वो है हाउ आई मेक माई हैना पेस्ट एंड हैना कोन। एंड मेरे चैनल पे पहले भी ये वीडियो अपलोडेड है, बट उसमें मैंने प्योरीफाई करना नहीं बताया, बिकॉज उस टाइम मैं अपनी कोन को प्योरीफाई नहीं करती थी। सो अब मैं आपको बताती हूँ कि अब मैं अपना हैना पेस्ट और हैना कोन कैसे बनाती हूँ। सबसे पहले हमें हैना पेस्ट के लिए चाहिए एक हैना पाउडर। ये कावेरी का पाउडर है। एक्चुअली मेरी पॉलीथीन जो मेन उसमें रहती है वो थोड़ी सी फट गई थी, दैट्स वाई मैंने इसको दूसरी पॉलीथीन में शिफ्ट कर दिया है। उसके बाद सबसे पहले आपको चाहिए शुगर, ठीक है, ये मैं बताऊंगी आपको किस क्वांटिटी में यूज़ करनी है। उसके बाद आपको चाहिए एक हैना ऑयल, ठीक है, ये मैं शैली का यूज़ कर रही हूँ। मैं बहुत टाइम से इसे ही यूज़ कर रही हूँ, बट अगर आपके एरिया में ये वाला ऑयल नहीं मिलता तो वही यूज़ कीजिए जो आपके एरिया में ऑयल मिलता है, ठीक है। उसके बाद आपको चाहिए बिल्कुल हल्का ल्यूक वॉर्म वाटर, ठीक है। उसके बाद हमें चाहिए शीट कोन बनाने के लिए। ये एक्चुअली वैसे तो शीट पूरी चार्ट के साइज़ में आती है, बट मैं इसको पहले ही कट करके रख लेती हूँ ताकि मुझे कोई प्रॉब्लम ना आए बार बार कट करने में। सो ऐसे करके बहुत सारी ये शीट है मेरे पास। अब जो शीट का मेजरमेंट है, अब जो शीट के मेजरमेंट है वो ऐसे है कि जो शीट है इसकी लंबाई चौड़ाई है जो वो एक तरफ है 14 और लंबाई है इसकी 16 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद आपको कोन बनाने के लिए चाहिए सेलो टेप, मैं इस साइज की यूज़ करती हूँ। सीजर चाहिए आपको। उसके बाद कोन के लिए आपको रबर बैंड चाहिए एंड में उसको बंद करने के लिए, बट अगर आप टेप सेलो टेप से उसको बंद करते हैं कोन को सो आप सेलो टेप यूज़ कर सकते हैं। पेस्ट के लिए ऑब्वियस सी बात है आपको एक बाउल भी चाहिए। उसके बाद जो मैं अपनी हैना पेस्ट को प्योरीफाई करती हूँ उसके लिए मुझे चाहिए ये एक शीट आती है। लाइक ये शीट भी नहीं है, पॉलीथीन टाइप की है। आप किसी भी किराने की शॉप में छोटी मोटी चीज़ें वो इसी शीट में देते हैं, मतलब इसी पॉलीथीन में देते हैं, तो ये भी आपको इजीली मिल जाएगी। उसके बाद हमें चाहिए एक ब्लैक स्टॉकिंग, ठीक है, इससे हम अपनी हैना पेस्ट को प्योरीफाई करेंगे। ये सबसे छोटा साइज़ है, मतलब इसे एक और छोटा साइज़ भी आता है, सबसे छोटा साइज़, लेकिन वो हमने यूज़ नहीं करना, हमने ये मीडियम वाला यूज़ करना है, ठीक है। बिकॉज हमने जब वो प्योरीफाई करनी है उसके लिए थोड़ी सी हमें लंबी चाहिए होती है सॉक्स। सो ये सब चीज़ें हमें चाहिए हैना पेस्ट और कोन बनाने के लिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने हैना पेस्ट बनाना कैसे है। सबसे पहले मैं एक स्पून से यहाँ पे हैना पाउडर लूँगी, 1 एंड 2। अब इस स्पून का साइज़ देख लो, ये बड़ा स्पून है और मैंने पूरा फुल करके भरा है इसको। एंड मैं यहाँ लूँगी 3 स्पून्स, ठीक है। उसके बाद अगर मैंने 3 स्पून लिए हैं अपना हैना पाउडर तो यहाँ पे मैं नॉर्मल स्पून से लूँगी यहाँ शुगर, 1, 2, 2.5 या आप 3 भी ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये रहा हमारा ऑयल। ऑयल मैं यहाँ यूज करूंगी जस्ट फ्यू ड्रॉप्स, सिर्फ इतना बहुत है। अगर आपके पास ऑयल नहीं है तो आप विदाउट ऑयल भी बना सकते हो। शुगर से क्या होता है कि जो आपकी कीप है वो कभी भी टूटती नहीं है एंड बहुत ही ज़्यादा स्मूथ चलती है शुगर से। उसके बाद मैं एक साथ ही सारा पानी नहीं डालूंगी, मैं क्या करूंगी जस्ट थोड़ा थोड़ा पानी डालूंगी एंड उसके बाद अब इसको मिक्स करूंगी। मैं इसमें और पानी डालूंगी, कभी भी हमने एक साथ सारा पानी नहीं डालना है, उससे क्या होगा जो हमारा पेस्ट है वो बहुत ज़्यादा गीला हो जाएगा, जो कि हमने नहीं करना है। आप देखिए मैं
पानी बहुत कम कम डाल रही हूँ। यही एक टाइम है जिसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जितनी भी सारी सूखी मेहंदी है वो हमने गीली करनी है। अब ये ठीक है, बिल्कुल गीली भी नहीं है और बिल्कुल ही सूखी भी नहीं है। ठीक है, हमें ऐसी ही अपना हेना पेस्ट चाहिए। अब मैं क्या करूँगी, मैं इसको ज़्यादा घुमा भी नहीं रही हूँ और ज़्यादा मतलब इसको मिक्स भी नहीं कर रही, जस्ट जहाँ आपको सूखी मेहंदी दिख रही है वो आपको अच्छे से मिक्स करनी है। अब मैं क्या करूँगी, इस पेस्ट को अच्छे से बाउल में रख दूँगी। जस्ट ऐसे इसको प्लेन करके, मैंने इसको अच्छे से प्लेन किया। हमने अपनी वेस्ट नहीं करनी है ना पेस्ट। जस्ट मैंने इसको प्लेन किया। अब मुझे क्या करना है, अब देखो इसमें ना तो ज़्यादा पानी है ना तो ज़्यादा इसमें सूखी मेहंदी है, बिल्कुल भी सूखी नहीं है। अब मैंने क्या करना है, एंड में इसमें ऊपर से पानी डाल देना है ऐसे करके, कि मैंने दो स्पून डाले और थोड़ा सा और, इतना पानी है इसमें। ठीक है, अब मैं क्या कर सकती हूँ, इसमें ऐसे करके स्पून को अंदर, दैट्स इट। अब मैं क्या करूँगी, एक नॉर्मल पॉलीथिन लूँगी, ठीक है, जो सबके घर में मिल जाती है, एंड जस्ट इसको ऊपर से कवर किया मैंने ऐसे, एंड देन इसके बाहर ऐसे करके हम रबर बैंड लगाएंगे। ठीक है, ये बन गया हमारा हेना पेस्ट, मतलब अभी बना नहीं है, पूरी तरीके से रेडी नहीं है, बट अब हम इसको कितने घंटे के लिए रखेंगे, मिनिमम 4 आवर्स और मैक्सिमम आप इसको 7, 8, 9, 10 जितनी भी देर रख सकते हो उतना रख सकते हो, बट ये भी ना हो कि आपने पूरा ही दिन रखा है। बट अगर जैसे रात को आप पेस्ट बना के रख रहे हो उसको सुबह भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अभी मैं इसको रखूँगी 5 से 6 घंटे तक। उसके बाद अब मैं आपको बताती हूँ हाउ आई मेक माई हेना कोन। कोन के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैंने ऐसे शीट को पूरा कट कर लिया है। ठीक है, इसकी लंबाई है 16 और चौड़ाई है 14। अब हमको इसमें थोड़ा सा मेथड टेक्निक का पता होना चाहिए कि हमने कोन को कैसे बनाना है। पहले हम रफली एक बारी मैं आपको बताती हूँ, पहले आपने जस्ट प्रैक्टिस करनी है। ये जो हमारी चौड़ाई थी उसका ये हाफ है, ठीक है, हाफ का भी हाफ, मतलब 1/4 एरिया से हमने इसको फोल्ड करना है। इस तरफ हमारा थंब है, यहाँ पे भी अपना इंडेक्स फिंगर एंड मिडिल फिंगर और अपने थंब से, इन तीनों की हेल्प से हम इसको फोल्ड करना तैयार करेंगे। ऐसे करके फोल्ड करते जाओ, उसके बाद थंब से ऐसे करके, पहले इस चीज़ की प्रैक्टिस कर लो सिर्फ। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूँगी, अपनी टेप से थोड़ी सी टेप कट करके साइड में लगा दूंगी। जस्ट कितनी, 1 सेंटीमीटर से भी कम। ठीक है, ये मैंने साइड में लगा ली। अब मैं क्या करूँगी, इसको जैसे मैंने आपको बताया था वैसे ही फोल्ड करना शुरू करूँगी, ऐसे करके। इसकी आपको एक दो बारी प्रैक्टिस करनी होगी तब ये अच्छे से आपको बनाना आ जाएगा। अब देखो ऊपर से जो है वो हमारा निब मोटा होगा, बट आपको जितनी भी निब चाहिए वो हम अंदर वाली जो शीट होती है उसको बाहर की तरफ को प्रेस करके हम
वो चीज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब जब मैं एंड में आ जाऊंगी तब मैंने क्या किया, अंदर की तरफ से इसको ऊपर की तरफ खींचा और मेरी जो निब है, मेरी जो टिप पॉइंट है वो शार्प हो गई। अब जब इतना पोर्शन रह गया फिर मैंने क्या करना है, जो हमने टेप कट की थी उसको इस साइड लगाना है। ठीक है, ये लगाया मैंने, उसके बाद अब मैं इसको अच्छे से फोल्ड कर दूंगी, जस्ट ऐसे पीछे से आगे की तरफ फोल्ड कर दिया मैंने। और अब जो मेरी टिप है वो जितनी हमें चाहिए उतनी मिल जाएगी। अब सेकंड स्टेप क्या है, इसमें हमने टेप कट करनी है एंड आप देखोगे आपके कोन की जो लास्ट लेयर है ना वो बाहर को आ रही है ऐसे करके। हमें क्या एक डाउट रहेगा कि हमारी कोन जो है, हमारा जो पेस्ट है जब इसके अंदर डलेगा वो बाहर आ सकता है पेस्ट, तो हमने क्या करना है, लास्ट वाली लेयर में सेलो टेप लगानी है। सेलो टेप लगाने से पहले आपको क्या करना है, मतलब कैसे लगानी है, ये नहीं कि जस्ट ऐसे ही लगा दी, ऐसे करके थंब से ऊपर लेके जाना है उसको। अब हमारा इतना पोर्शन रह गया उसमें भी हम टेप लगाएंगे। इससे क्या होता है कि हमारी कोन जो होती है वो अच्छे से सिक्योर हो जाती है, उससे कोई भी है ना पेस्ट बाहर नहीं आता। यहाँ पे लगाएंगे हम, वेट, थंब से लेके जाना है उसको ऊपर, बिकॉज अगर हम वैसे ही लगा देंगे फिर हमारी जो सेलो टेप है वो कहीं से ऊपर नीचे हो जाती है और उससे क्या होता है वो बिल्कुल क्लीन नहीं होती। अब ये हो गया हमारा कोन रेडी, अब हम इसमें फिल कर सकते हैं अपनी सारी हेना पेस्ट। ये मैं इसे बहुत सारी बना के रख देती हूँ पहले से ही। सो ये है हमारे हेना कोन्स, और अब मैं आप लोगों को 4 से 5 घंटे बाद जो हमारा पेस्ट अच्छे से डाई रिलीज कर चुका होगा उसके बाद मैं आप लोगों को मिलती हूँ। सो अब हो चुके हैं 4-5 घंटे एंड अब मैं इसको निकालती हूँ एंड ये देखिए डाई हमारी रिलीज हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, इसको अच्छे से मिक्स करना है। हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके और पानी मिक्स करेंगे, थोड़ा सा डाला है। अभी हमारा पेस्ट तैयार हो चुका है। इतना ठीक है बिल्कुल। अभी आप देख रहे होंगे इसमें लम्प्स हैं, ये देखिए, हो सकता है इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स में सूखी मेहंदी भी हो सकती है जो कि हमें आगे जाके डिस्टर्ब करती है। हम क्या करेंगे, हमें चाहिए एक ग्लास
खाली गिलास है ये, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, इस ग्लास के अंदर जो मैंने आपको शीट बताई थी पॉलिथीन मतलब, उसको खोल के इसके अंदर डाल दूंगी मैं। उसके बाद ग्लास के बाहर इसको ऐसे करके कवर कर दूंगी, जस्ट ऐसे। उसके बाद अब मुझे चाहिए अपनी स्टॉकिंग्स, एंड इसको मैं सिर्फ इतना अंदर डालूंगी ग्लास के, एंड जो बाकी का है उसको बाहर ऐसे इकट्ठा करके सारा बाहर से ऐसे करके खोल दूंगी। अब मैं क्या करूंगी, इसके अंदर सारे का सारा अपना पेस्ट डाल दूंगी। अब एक बात ध्यान रखनी है कि ज़्यादा अगर आप ब्राइडल के लिए बना रहे हो पेस्ट, तो एक साथ पेस्ट हमने ग्लास के अंदर नहीं डालना। उससे क्या होता है, जब आप इसको बाहर निकालोगे तो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो सकता है आपको आगे का प्रोसेस करने में। मैं क्या करूँगी, इसमें सारा अपना है ना पेस्ट डाल दूँगी, क्योंकि ये सिर्फ 3 स्पून ही है। ये सारी हमने हेना पेस्ट डाल दी इसके अंदर। अब पहले मैं स्टॉकिंग बाहर निकालूंगी ऐसे करके, एंड इसको एक साइड में रख दूंगी। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या होगा हमारा, हमारी जो पॉलिथीन है हम इसको ऐसे करके बाहर निकालेंगे एंड ग्लास को रख देंगे साइड में। सो ये हमारा सारा पेस्ट इसके अंदर है, स्टॉकिंग के अंदर। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों को ट्विस्ट करना है ऐसे करके, और अब यहाँ से स्टॉकिंग को खींचना है बाहर की तरफ। एंड जब मैं खींच रही होंगी यहाँ से, मैं हाथ से इसको थोड़ा थोड़ा प्रेस भी करती जाऊँगी कि सारी हमारी हेना पेस्ट बाहर आती जाए। और ये सारी हेना पेस्ट इसमें आ चुकी है। अब मैं आपको दिखाती हूँ ये करने का क्या फायदा होता है। जो भी सारा खराब है ना थी, सूखी है ना थी, वो सारी की सारी इसमें आ चुकी है, ठीक है। अब हमें है ना चलाने में, कोन चलाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मैं क्या करूँगी, इसको ऊपर से रबर बैंड लगा के बंद कर दूंगी। आगे का प्रोसेस सबको पता ही है, जस्ट इसको थोड़ा सा काटेंगे, ज्यादा बड़ा भी नहीं काटेंगे, एंड उसके बाद इसको ऐसे करके हम कोन में भर लेंगे। कोन में ज़्यादा ऊपर तक भी ना भरिए कि वो बाद में आपको बंद करने में प्रॉब्लम आए। अब कई लोग इसको सेलो टेप से भी बंद करते हैं, ठीक है, बट मुझे टेप वाला सिस्टम समझ में नहीं आता, मुझे उससे कंफर्टेबल नहीं लगती अपनी कोन। मैं क्या करती हूँ, इतनी स्पेस रहने दूंगी, इसको एक बार फोल्ड करूंगी। अभी आप देख रहे हो इसमें ज्यादा स्पेस है, थोड़ा सा इसको और फोल्ड करूंगी, जस्ट इतना सा, ठीक है। उसके बाद भी नीचे स्पेस है। अब मैं क्या करूंगी, थंब से अपने दोनों थंब से अपने राइट थंब से पीछे लेके जाऊंगी, और फिर ये दोनों इकट्ठे हो गए। फिर ये ऐसे करके जिगजैग करके मैं इसको बंद कर दूंगी। लास्ट स्टेप क्या होगा हमारा, इसको ट्विस्ट कर दूंगी मैं कोन को। उसके बाद डबल करके मैंने यहाँ अपनी
रबर बैंड लगा दी। अच्छे से इसको हमने बंद करना है। अगर आपको थोड़ी सी अपनी कोन जो है वो ढीली सी लग रही है, आपने क्या करना है, इसको ट्विस्ट करना है और अब देखो जैसी आपको चाहिए वैसी कोन बन जाएगी। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक और रबर बैंड लगाना है हमने और इसको ऐसे करके ट्विस्ट करते जाना है। और ये अच्छे से कोन हमारी टाइट हो चुकी है। सो ये था मेरा तरीका कोन बनाने का। अब मैं आपको थोड़ा सा चला के दिखाती हूँ इसको, थोड़ा सा मैं इस कोन को चला के दिखाती हूँ। ये देखिए शुगर से क्या हुआ है, हमारी लाइन टूटेगी नहीं। ठीक है, अब आप जो भी बनाना चाहते हैं वो इजीली बना सकते हैं इससे। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप यू ऑल लाइक द वीडियो एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल बिलो। लॉट्स ऑफ लव।